दोस्तों इस वीडियो में हम पूछेंगे जीके का 5 बड़े हिम्मेदार सवाल जो आपको जीवन बनाने में हरदम हर वक्त मदद करेगी और हर बीमारी को छुटकारा पाने में मदद करेगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को अभी और इसी वक्त शुरू करते हैं अच्छा जानकारी पाने के लिए। सवाल नंबर 1, ककड़ी खाने से क्या क्या फ़ायदा शरीर में मिलती है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है ककड़ी खाने से पेट में पथरी नहीं होती है, पेशाब रोग नहीं होता है, पेट दर्द, कपार दर्द, माथे की भारी जो है वो तुरंत ठीक हो जाती है। इसीलिए ककड़ी लोग खाते हैं और खाना चाहिए, पेशाब रोग की संभावना नहीं होती है और पथरी नहीं होती है। सवाल नंबर 2, संतरा खाने से कौन बीमारी नहीं होती है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती है और मिलती आप तक रहेगी। दोस्तों इसका सही आंसर है संतरा जो लोग खाते हैं सीजन में उनको शुगर की बीमारी नहीं होती है। अगर आपको शुगर हो गई है तो आधा टुका संतरा सुबह जो है निहार मुंह खाना है। निहार मुंह उसी को कहा जाता है जो आप लेटरिन से आए, बाथरूम से आए और मुंह हाथ धो करके खा लिए, यानी खाली पेट। सवाल नंबर 3, बैंगन किसको नहीं खाना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक मेरे भाई मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है दाद, खाज, खुजली, दांत में दर्द वाले लोगों को, डांट पीठ में दर्द वाले लोगों को बैंगन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि डांट पीठ में दर्द हो जाती है, जितना भी पैसा हमारे पास रहता है वो बीमारी में खर्च हो जाती है, इसीलिए न खाएं। सवाल नंबर 4, अमरूद किसको नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है बार बार जिनको लेटिंग लगती है उनको नहीं खाना चाहिए क्योंकि अमरूद खाने से लीवर में सूजन हो जाती है, अंतरी में पानी हो जाती है, तभी बार बार किसी को लेटिंग लगने की संभावना बना रहता है या लगती भी है, इसलिए ध्यान में रखें। दोस्तों सवाल नंबर 5, घी खाने से क्या फ़ायदा मिलती है हम लोगों को। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त तुरंत और जल्दी कर लीजिएगा अच्छा जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती है और हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों इसका सही आंसर है आप लोग जानते ही हैं कि दही जो है भगवान का भोजन होता है, उसमें से घी निकलता है प्योर, उसको खाने से पेट क्लीन होता है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार बिल्कुल नहीं होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।